श्रीकांत निवास में रवि और टीना की मंगनी की तैयारी चल रही थी। इस मौके पर सभी खुश थे, लेकिन अमित के चेहरे पर एक डर सा दिखाई दे रहा था। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मेहमान भी आने शुरू हो गए, सब कितने खुश हैं, और आप हैं कि फ्लैशबैक में खोए हुए हैं। अरे यार, आज रवि की मंगनी है, मुझे उसकी बात याद आ रही है। उसने कहा था कि वो वापस आएगी। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं आने वाला। फंक्शन अच्छा खासा चल रहा था और अब अंगूठी पहनाने का टाइम हो चुका था। रवि और टीना अमित और घर के बाकी सदस्यों के साथ बीच में खड़े थे। सभी मेहमान उनको घेरे हुए थे। रवि टीना को रिंग पहनाने ही वाला था, तभी एक भयानक आवाज आई। रुको, घर में इतना अच्छा खुशी का मौका है और आप सब मुझे ही भूल गए। ये आवाज सुनकर अमित डर गया और बाकी सबने दरवाजे की तरफ देखा। कोई औरत मुंह पर घूंघट ओढ़े झुककर खड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो कुबड़ी थी। घुंघरों की आवाज करते हुए उसने अपने कदम बढ़ाए और उसके चेहरे से घूंघट हटकर जमीन पर गिर गया। अब आएगा फंक्शन का असली मजा, कहकर उसने एक मेहमान की गर्दन पकड़कर तोड़ दी। सब डर कर इधर उधर भागने लगे। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सभी ने अपने कानों पर हाथ ढक लिए। सबके कानों से खून आने लगा। एक एक करके सभी बेहोश हो गए। उसने जमीन पर बेहोश पड़े लोगों में से रवि और टीना का पैर पकड़ा और उनको घसीटते हुए बाहर दरवाजे की तरफ ले गई। जब अमित की आंख खुली तो उसने देखा सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं और रवि और टीना गायब हैं। उसने अर्पिता को उठाया और वो डरते हुए होश में आई। रवि और टीना कहाँ है? और वो कुबड़ी डायन? वो उनको अपनी उस गुफा में लेकर गई होगी जिसमें वो 18 साल पहले गायब हुई थी। दूसरी तरफ रवि और टीना डायन के सामने खड़े हुए थे। वो एक गुफा में थे। डायन ने अपनी मायावी शक्ति से उनके पैर बांध रखे थे। दोनों बेबस खड़े हुए अपनी डरती हुई निगाहों से उसे देख रहे थे। कौन हो तुम? क्यों तुमने हमें अगवा किया? अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे पिता से पूछना कि मैं कौन हूँ, वही अच्छे से बता पाएंगे। सुनकर टीना और रवि दोनों डर गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बकरी घूमती हुई गुफा के अंदर आ गई है। चलो ये अच्छा हुआ, वैसे भी बहुत देर से भूख लगी थी, कहकर वो उस बकरी पर झपट पड़ी। कुछ देर बाद अमित अपने साथ अर्पिता और एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच गया। उनको देखकर टीना और रवि की थोड़ी हिम्मत बंधी। अरे ओ डायन, इस परिवार को छोड़कर चली जा, नहीं तो मुझे मजबूर होकर तुझे खत्म करना पड़ेगा। ये परिवार मेरा है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर सभी डर गए और तांत्रिक गुस्से में आ गया। अगर ऐसा है तो ये ले। तू ये ठीक नहीं कर रहा है तांत्रिक। चली जा, अब भी वक्त है। बस कुछ देर और, फिर मैं ये शरीर छोड़कर इस टीना के शरीर में समा जाऊंगी। तो अब मुझे खत्म करना ही पड़ेगा, कहकर तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर पानी फेंका। फिर अपने गले से एक माला उतारी और तेजी से उसके गले में डाल दी। निकाल इसको!
उबड़ी डायन ने माला को उतारने के लिए जैसे ही उसको छुआ, जमीन पर गिरकर मचलने लगी। बैठ जा। तांत्रिक की बात सुनकर वो बैठ गई और तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र साधन करने लगा। पापा, ये कुबड़ी डायन कौन है? क्यों ये हमारे घर को अपना परिवार बता रही है? बेटा, ये मेरी पहली बीवी पूर्णिमा है। तुम्हारी मम्मी से पहले मैंने इससे शादी की थी, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हो रही थी। मुझे अपने घर का वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने कई जगह से इसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली। फिर आखिरकार मैंने तंत्र विद्या का सहारा लेने की सोची। मैंने इसको एक तांत्रिक को दिखाया। उसने हमें कुछ साधनाएं करके तो दी और कुछ औषधियों के जरिए इलाज करने को कहा। उसकी बताई गई साधना हम दोनों पति पत्नी मिलकर किया करते थे और उसे दी गई औषधि को भी मैं इसे रोजाना दिया करता था। उन औषधियों से इसके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, इसे दर्द रहने लगा था और कमर अपने आप भारी होती जा रही थी। इसने मुझे बताया कि इसको परेशानी हो रही है, तो मैंने तांत्रिक से कहा। उसने कहा कि ये इलाज का हिस्सा है, अगर औलाद चाहते हो तो पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। मैं औलाद के लालच में अंधा हो चुका था। मैंने वो औषधियां इसको जबरदस्ती खिलाई और धीरे धीरे ये बदसूरत हो गई और इसको कुबल निकल आया। तब जाकर तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा कि इलाज का इस पर कोई असर नहीं हुआ, आगे वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इसको इस बात से बहुत तकलीफ हुई। इसकी खूबसूरती खोने का गम इसको लग गया। इसने कहा कि ये एक दिन वापस आएगी और मुझसे बदला जरूर लेगी। उसके बाद ये रात के समय घर से भाग गई। कुछ लोगों ने इसको गुफा में जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं इसको ढूंढने यहां आया तो ये मुझे नहीं मिली। तब से आज इसको देखा है। आपने बहुत गलत किया पापा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे, मेरी गलती है, लेकिन इसकी सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा, इसलिए इसका मर जाना ही सही होगा। 18 साल अंधेरे में कैद रही हूँ, काली शक्तियां हासिल की है मैंने, मुझे मानना इतना आसान नहीं है। ये देख बाकी चारों भी चिल्लाए और बाहर की तरफ भागे, लेकिन कुबड़ी डायन ने टीना को पकड़ लिया। टीना ने जैसे ही चिल्लाने के लिए मुंह खोला, कुबड़ी डायन ने एक मंत्र पढ़ा। कुबड़ी डायन की आत्मा उसके शरीर से निकलकर मुंह से होती हुई टीना के शरीर में चली गई। कुबड़ी डायन का शरीर जमीन पर गिर गया। अब इस टीना का रोल खत्म। ये कहकर उसने एक और मंत्र पढ़ा और टीना की आत्मा निकलकर कुबड़ी डायन के शरीर में और वो उठ खड़ी हुई। टीना ने देर ना करते हुए चाकू उठाया और कुबड़ी डायन की गर्दन पर। नहीं! रवि, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। माना कि आत्मा मेरी है, लेकिन शरीर तो तुम्हारी टीना का ही है ना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूं। अब अमित के परिवार के पास उसको अपनाने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो बेबस हो गए। अब मैं हमेशा आपके घर में आपकी बहू बनकर रहूंगी, और फिर से कुछ उल्टा सीधा किया तो कुबड़ी डायन फिर से वापस आएगी।